ये देखो आर्यन रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट। भाई आर्यन ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो रिलेशनशिप पे टिका रहता है। इधर हमारा इधर तुम्हारा एबीवीपी आर्यन जिंदा हुआ। अब दिल खुश कर दिया आपने। जिंदा हुआ कीप सपोर्ट बट इट चैनल पे आर्यन वाले का कट कट आपकी। भाई अब मेगा दी तो यार बड़े बड़े चैनल हो गए, इनके चैनल भी मोनेटाइज हो गए, इनको टाइम ही नहीं लगता भाई मेरे व्लॉग में आने का। हाँ मतलब पार्टी तू भी हमारे बीच पार्टी लाएगा। चल ठीक है, तू ही कैमरा ला रही है हमारे बीच में। और आपके लिए ना मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, कुछ टाइम बाद मैं वो रिवील कर दूंगा। मैंने ना उस चीज के लिए पूरे 6 महीने मेहनत करी है, तब जाके वो चीज मुझे मिली है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। शरणा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ऋषिकेश से आके मैं सीधा घर पे आ गया था, उसके बाद 3 व्लॉग निकाले मैंने वहाँ के, ऐसे एक ही दिन के 3 व्लॉग थे वो। फिलहाल मेगा दी मेरे साथ है यहाँ पे। मेगा दी कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद मेगा दी मेरे व्लॉग में आ रही है। भाई अब मेगा दी तो यार बड़े बड़े चैनल हो गए, इनके चैनल भी मोनेटाइज हो गए, इनको टाइम ही नहीं लगता भाई मेरे व्लॉग में आने का। मेगा दी क्यों नहीं आती मेरे व्लॉग में? घर पर रहता ही कब? फिलहाल अभी जा रहा हूँ कॉलेज। ठीक है भाई भाई। तो गाइस प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को भी कीजिएगा। पहले बताते हैं फिलहाल हमारे कॉलेज में भी यार एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मुझे कॉलेज आना पड़ रहा है। तो फटफट निकलते हैं कॉलेज और दिखाते भाई एडमिशन कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से बच्चे आ रहे कॉलेज में। तो यार मिले आज लेट हो गया भाई, हिमांशु कॉल कर रहा है फटाफट कहाँ आया तू, और मैं उसे झूठ बोल रहा कि मैं भाई जबपुर चौक पे खड़ा हो रहा है। फिलहाल फटफट निकल रहा है हिमांशु के पास, नहीं तो भाई गाली देगा ना 100 और मगर उल्टा गाली देगा कि भाई कॉलेज टाइम से नहीं आया। तो निकलते फटफट अपनी स्कूटी के साथ। ओके भाई, तो मैं मिल चुका हिमांशु, हिमांशु की गाड़ी वहाँ पे है। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है क्योंकि दो गाड़ी ले जाके फायदा नहीं है ना कॉलेज में। हिमांशु भाई कहाँ जा रखा था तू आजकल? मज़ा आया क्या लेके आया तू मेरे लिए वहाँ से? तेरा चार्जर चार्जर के अलावा चार्जर तो मेरा ही था। मैं कुछ लेके आया, मैं कल मैं तेरे को पूछा था एक बार ठीक है बुन्नी खाएगा? बुन्नी कब पूछा तूने मुझे? मैं पूछा था ठीक है, पर फिर मेरे को लेट हो गया। मैंने फ़ायदा क्या तुमने अकेले अकेले खानी मैंने भाई? देख रहे हो ऐसे ऐसे बंदे मेरे साथ ना, पर मैंने खुद भी नहीं खाई बेटा, मतलब पूछते हैं नहीं, बोल रहे कि मैं पूछ रहा था बट लेके नहीं आया। तो गाइस आज हमारे साथ बहुत खतरनाक सीन होने वाला था भाई, आगे पे ना ब्लैक हॉक खड़ी हो रखी है, इसीलिए हिमांशु भाई ने पहना हेलमेट। हेलमेट नहीं रहता ना आज, तो हम गए थे देखो हिमांशु भाई लाइसेंस रहता था, मेरे पास गाड़ी कागज भी है, मेरे पॉल्यूशन भी है, वही तो मैं रनिंग वाला मेरी गाड़ी का। देखो हेलमेट सेफ्टी गाइस, हेलमेट पहने नहीं तो चालान कटाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ओके गाइस हम आ चुके हैं कॉलेज में और अभी मिले हैं सचिन भाई। सचिन भाई कैसे आप? मस्त एकदम मस्त। और इन्होंने पहनी भाई आर्यन की शर्ट, ये देखो आर्यन रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट। तो भाई आर्यन ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो रिलेशनशिप पर टिका रहता है और क्या बोलते हैं और क्या क्या बोलेंगे, अपनों का साथ, अपनों का साथ अपनों का विकास। एक दिन जब ये आर्यन पार्टी आएगी ना इस कॉलेज में भाई क्या उठा देंगे सचिन भाई हम। मगन की पार्टी तो आ ही रही है और साथ में अब सचिन भाई भी देख रहे हैं कुछ चुनाव में लड़ने का है। सचिन भाई मैं तो सीधे विधायक का चुनाव टीस है, विक्रम सिंह नेगी को टक्कर दूंगा प्रताप नगर क्षेत्र। हमारे कॉलेज में ना पहले यहाँ पर टूटा हुआ नल था, देखो अब सही करवा दिया। आर्यन पार्टी आ रही ना इसीलिए देखो नल भी सही हो गया, अब क्या बोलते हो कॉलेज भी सही हो जाएगा एक दिन। और यार आज से ना हमारे कॉलेज में एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं बट कॉलेज पूरा खाली है। जिन बच्चों ने सीओटी दिया था ज़्यादातर वही बच्चे थे और अब बिना सीओटी वाले थोड़ा सा कम है, अभी देखते हैं आ ही रहे बच्चे धीरे धीरे, आज तो पहला दिन है। और कॉलेज में भाई मरम्मत का काम भी चलने लग गया, देख रहे हो भाई साहब कॉलेज में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, तो जो बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे भाई तो कॉलेज आना स्टार्ट कर दो ठीक है। तो भाई अभी आ रहे हम आर्यन के डेस्क पे और यहाँ बैठ रखी अंजलि। अंजलि जी कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ। हेलो और क्या पहन रखा आपने? ये आर्यन आर्यन आ गई, आर्यन छा गई आर्यन। और आज भाई सबने पहन रखी टी शर्ट, ये देखो अंजलि ने भी पहन रखी, ये अर्पित ने भी पहन रखी, सारे आर्यन वाले पहनेंगे एंड हमारे मगन और दीपक हमेशा। मेरे को क्यों नहीं दी तुमने? आपके लिए भी है ना यार। तो भाई थैंक यू सो मच। तो गाइस कल से टी शर्ट पहन आपके मैक्सिमम तो ले भाई, मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए देखिए टी शर्ट है साइज यार कौन सा, ये 38 है ना? 38 नहीं आएगा मेरे पे, 40 कम से कम। तेरे भी 38 है ना? अभी तू पतली लग रही है। तो भाई जहाँ देखो अर्पित क्या कर रहा है। अर्पित भैया कैसे हो आप? हाय गाइस भैया भैया ऐसे क्या लिख रखो पूरा बोलना आर्यन आगे रिलेशनशिप बिल्ड ऑन ट्रस्ट। ओ भाई एंथनी वाले, चलो इंग्लिश तो आती है। हाय
अंबिका हाय अभी तो दिख नहीं रही यार तू दिख नहीं रही यार अंबिका बोल कैमरा लाएगी मतलब मैं ठीक हूं तू क्या कर रही है काम कर रही हूं तू तो नहीं कर रही है काम तेरी तो बेलापंती कर रही है एनसी भाई जिंदाबाद ये हमारे कोषाध्यक्ष बाल कैसे हो रखे हैं मेरे अच्छे हो रखे ये हीरो है अलीस यादव लाइट राहुल सुन तो अबे यार इतने क्या बोल बोल जय ने शिवाय सुन तो अच्छा मतलब पार्टी तू भी हमारे बीच पार्टी लाएगा चल ठीक है कोई नहीं तो तू ही कैमरा ला रही है हमारे बीच में तो गाइस जाना बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां रखी है और अर्पित को लड़कियां पसंद आ रही है अरे नहीं भाई जी भाई भाई हां अबे भाई अभी नहीं बोल रहा था मेरे को एक लड़की पसंद आ रही है हां ये बहुत पसंद है मुझे शादी करवा दे तुम्हारी प्लीज शादी करा प्लीज यार पर मेरे को लड़के दिखाई नहीं कहने दिखा लड़के नहीं दिखा ये क्या लड़का नहीं है कैटर पसंद क्या रहेगा इस पर तुम दोनों की फोटो लगेगी फाइनली प्रपोज कर दिया तुम फेमस हो जाओगे नाइस कपल अच्छा गाइस कमेंट करके बताना इन दोनों की जोड़ी कैसी लग रही ठीक है अभी से कोई जोड़ी कैसी है इनकी अंजलि के बारे में हम बहुत अच्छी बात बोलेंगे अंजलि जो है ना आर्यन की बहुत कट्टर सपोर्टर है आज हम अंजलि से पूछेंगे आप आर्यन से कैसे कैसे जुड़े हैं मैं आर्यन से ये आर्यन ही से ना मगन भाई के लिए जुड़ी है ठीक है मगन भाई से प्यार करती है मगन भाई मेरे परम मित्र हैं और सच में मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ दोस्ती वाला प्रेम दूसरा ना समझे ना दूसरा समझ मेरा गलत मत समझना वैसे क्योंकि वैसा प्रेम आज तक हमने शायद अभी रोहित भाई कैसे हो रहे सर बढ़िया भाई क्या क्या हो रहा बस मुक्की भाई के पास ले जाओ हमारे yeah. भाई जी हमारे मुक्की भाई हैं हमारे अध्यक्ष के बड़े भाई हैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और करें बोलना नहीं ज्यादा देखें पधारने जरूर बिल्कुल आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग इतना सहयोग दे रहे हैं जय आर्यन जय आर्यन जय एबीवीपी सपोर्ट एबीवीपी वोट एबीवीपी जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पे एबीवीपी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है यहाँ पे बहुत गलत है एबीवीपी भाई बहुत गलत है ऐसा गलत है व्हाट इज दिस गलत है हम कह रहे हैं इनसे कि कुछ कर लो हमारे साथ कुछ हो सकता है तो जैसे कि समझ रहे हो आप क्या क्या चाहते हैं चाहते हैं साथ देंगे अच्छा रहेगा ना हम लोग मैं तो बोल ही रहा हूँ इतनी बार हमारा अगली बार तुम्हारा है ना एबीवीपी आर्यन जिंदाबाद अब दिल खुश कर दिया आपने जिंदाबाद बस अंजलि मुँह छुपा रही है देखो यार अंजलि अपना इंट्रोडक्शन दे दो अंजलि सॉरी किरण भाई दोनों कैप्चर हो यार देख लो आगे भी दिख रहा होगा ये भी है 60 हाई कर दे इसको देख के तो करना ही मत लाइक इसको देख के डिसलाइक मत करना इसको देख के करना ही नहीं लाइक मैं कंपनसेट कर दूंगा बीच में ना कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब कर लो शट अप इसकी शक्ल देख के डिसलाइक ना करे कोई भी और जो पीछे खड़ी कौन है कोई भी नहीं मैं भी नहीं जानता आप भी नहीं जानते होंगे आप कौन हो बीच कैमरा में आ रहे हो देखिए जी वोट एंड सपोर्ट ये आर्यन वोट और मगन नेगी एंड दीपक राणा ये हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं मेरे बड़े भाई समान भैया भैया डीबीएस में क्या चल रहे हैं भैया भाई जी भाई इधर ना मगन का रोल उसका नाम गलत रखा किसी ने लाइब्रेरी सेटिंग रूम होना चाहिए चलिए मानसो भाई एक गाना सुना दे भाई आज ऑडियंस सुनना चाह रही है डिंग 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 आगे शाबाश और बड़ी और बड़ी मानवी कमी यार गाना सुनाओ एक अच्छा सा जोर से ओ भाई ये गाना नहीं सुनाता थोड़ा वैसे संस्कारी यार ओ भाई लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया जा रहा है यहाँ पे गाइस ये दोनों लड़कियां सिंगल है अगर किसी को पसंद आ रही है तो जाके भाई पहन के आई सीधा अब अबे चुप
सुनने की बात मुझे क्यों करेगा कोई पसंद, किसी की किस्मत थोड़ा फूट रखी है भांड। पक्का मान दिया ना, तो इससे कोई शादी मत करना। अब जब तूने खुद बोला भाई, मतलब कि अरे कोई लड़का पसंद है कॉलेज में? सच्ची सच्ची बता, खा कसम, मम्मी कसम का, मम्मी कसम मुझे कोई पसंद नहीं, बाहर भी नहीं, खा मम्मी कसम, मम्मी कसम। आपको क्या कोई लड़का पसंद है? मैं तो अपना सब तो कर रहा हूं। सच्ची बताओ, देख रे काती लाना हंसी है। कॉलेज में कौन सा लड़का पसंद है? कोई नहीं है। खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम की, खाओ मम्मी कसम। फिर से रीटेक, तुम्हें कॉलेज में कोई लड़का पसंद है? कोई भी नहीं है। कट कट कट, खा अपनी पापा की इकलौती बारी कसम। रुक जाना एक मिनट, फिर से स्टार्ट। अब बोल देना उसके बाद, पर इसी टॉपिक बात करना ठीक है। हाँ। तुम्हें कॉलेज में कोई लड़का पसंद है? नहीं। कोई भी नहीं है। खाओ मेरी, खाओ अपनी कसम। खाओ सारो, तब से लगा खाओ खाओ खाओ। और हमारे डिमरी जी अगली बारी के कैंडिडेट कैसे हो भाई? धन्यवाद भाई, बहुत 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 बढ़िया। आपका साथ चाहिए बस इस बार, जैसे तैसे जिता दो। जीत गए भाई, बस आपका साथ बना रहे, तब हम आपको मिलेंगे जल्दी फील्ड में। सबका साथ सबका विकास। आज हमने टी-शर्ट भी डोनेट किया सबको लगभग। आर्यन रिलेशनशिप बिल्ट ऑन ट्रस्ट, तो भाई आर्यन बन रही ट्रस्ट के दम पे, तो जितना ट्रस्ट करोगे उतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको ठीक है। ओके भाई, हमारा कॉलेज डन हो चुका है और अब जा रहे हम सीधा घर को। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महासचिव जी, हमारे आर्यन के सारे जितने भी कार्यकर्ता सारे चल चुके हैं घर की ओर, और अब हम जा रहे हैं अपनी इसके साथ। क्या इसका नाम? धन्नो, उसका नाम लिखा दे यार, नाम सोच दे उसका अच्छा सा। क्या बोल रहा? पैसा 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 दे दे यार, उधार दे दे यार। भाई हमारे मानसू भाई बहुत पैसों वाला है भाई। मेरा मन करता ना कि इसकी गर्दन काट के पैंग इसे पापा जी से चलिया जाए। मेरे बाप खर्चा नहीं करना, घर जाके इसके पापा देंगे, बोलेगा कि ले जा बेटा। मेरे बाप ने बोला बेटा तुम जमीन के लिए खुश मत होना, और मैं ले मैंने बाद में दारू पी। हर घर की कहानी। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉलेज में मिलके नए नए बच्चों के साथ और नए नए बच्चों से बात करके। तो भाई तभी आ रहा हूँ अपनी स्कूटी के पास, क्योंकि मैंने सुबह यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर रखी थी ना। बढ़िया, तो भाई जा भी देते मेरी, ये मेरा ना पर्सनल असिस्टेंट है, जब मैं यूट्यूब में बहुत फेमस हो जाऊंगा ना तो मैं इस बंदे को पैसे दूंगा, तब तो तुझे हायर करूंगा मैं ठीक है। कितनी दूर मैं वेला रहूंगा तब तक? कितनी सैलरी लेगा तू मेरे से? अच्छी कम से कम 4-5 लाख। क्या बोले, इतने में तो मैं कुछ भी कर दूँ। फिलहाल अब जा रहे हैं घर को, मैं भी निकलता हूँ घर को, और खाना भी नहीं खाया, भूख लगी। इसका तो व्रत भी था, सबसे बड़ी बात जिंदगी में आज तक रखा नहीं इस बंदे ने, आज पर इसने व्रत लगा। तो गाइस फाइनली अब जाके भाई मेरा व्लॉग एडिट हो चुका है और इसको अभी करना है मुझे अपलोड। अपलोड के लिए मुझे एक जगह जाना पड़ता है, मतलब पहले मैं रॉबिन के रूम पे जाता था, बट रॉबिन का ऑपरेशन हो गया ना, तो उस चक्कर से मैं रॉबिन के रूम पे नहीं आ पा रहा और उसने रूम भी खाली कर दिया भाई, तब तो जाना ही नहीं बनता उधर। अब मैं एक दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं वो लोकेशन बताऊँगा नहीं कि मैं कहाँ पर व्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ, वो मैं कभी हो सकेगा Q&A में बताऊँगा, क्योंकि यार क्या क्या करना पड़ रहा है व्लॉग अपलोड करने के लिए भाई, और इस व्लॉगिंग के चक्कर में बहुत कुछ करना पड़ रहा है। ओके भाई, मैंने फाइनली व्लॉग अपलोड कर दिया है, आई होप आपको मेरे डेली व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। फिलहाल मेघा दी यहाँ पे है, मेघा दी और मैं गए थे अभी हॉस्पिटल में खाना देने, जो मेघा दी की ननद है ना, दी ननद दी बोलेंगे क्या बोलेंगे दी ननद, हाँ, तो उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी ना, इसीलिए खाना देना गया हम दी को, और अब जा रहे हैं सीधा घर को। और आपके लिए ना मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, कुछ टाइम बाद मैं वो रिवील कर दूंगा। मैंने ना उस चीज़ के लिए पूरे 6 महीने मेहनत करी है, तब जाके वो चीज़ मुझे मिली है, बस थोड़ा सा वेट करो, वो चीज़ मैं आपको जल्दी रिवील करूँगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। I'm not a good guy. 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 I'm not a good